कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हो गया। इस ट्रेलर की लॉन्चिंग मुंबई के एक PVR में बहुत ही शानदार तरीके से की गई। इवेंट में कार्तिक और कियारा बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में बाइक पर सवार होकर पहुंचे। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत हवेली का दरवाजा खुलने से होती है और बैकग्राउंड में तब्बू की आवाज आती है कि 15 साल बाद फिर से उसी दरवाजे ने दस्तक दी है। वो कहती हैं कि इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि काला जादू करने वाली मौंजोलिका है। इसके बाद कार्तिक आर्यन की एंट्री होती है जो डांस करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि मैं बैड पीपल को देख सकता हूं और बचपन से ही भूतों के बीच पला बड़ा हूं। हालांकि इस ट्रेलर में कियारा आडवाणी को चुड़ैल के रूप में दिखाया तो गया है जिसे देखते ही देखते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ट्रेलर को देखने से लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ट्विस्ट भी है, क्योंकि इस ट्रेलर में न केवल कियारा आडवाणी को बल्कि कार्तिक आर्यन को भी इस तरीके से दिखाया गया है जैसे उनके शरीर में कोई आत्मा हो। फिल्म के ट्रेलर में एक दो पंच भी जोड़े गए हैं जो फिल्म के ट्रेलर को फनी बनाते हैं। अगर नटशेल में कहा जाए तो ये फिल्म न केवल स्पूकी है बल्कि थोड़ी फनी भी। फिल्म के ट्रेलर से तो ये लगता है कि ये फिल्म दर्शकों को डराएगी भी और हंसाएगी भी। इस फिल्म में बहुत सारे नए चेहरे देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कुछ चेहरे पुराने ही हैं, जैसे कि राजपाल यादव आपको फिर से गुदगुदाते नजर आएंगे। भूल भुलैया 2 में कार्तिक और कियारा के अलावा तब्बू, अमर उपाध्याय, संजय मिश्रा और मिलिंद गुनाजी भी स्क्रीन पर नजर आएंगे। पहले इस फिल्म की रिलीजिंग डेट 2 मार्च रखी गई थी, लेकिन फिर इसे आगे बढ़ा दिया। अब इस फिल्म को 20 मई को थिएटर्स में रिलीज करने के लिए अनाउंसमेंट की गई है। तो आप भी देखिए ये ट्रेलर और हमें बताएं कि ये आपको कैसा लगा। आपको क्या लगता है कि ये फिल्म भूल भुलैया 1 की तरह ही मजेदार होगी या नहीं? बाकी फिल्म से जुड़े दूसरे अपडेट्स तो हम आपको देते ही रहेंगे। जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।